तो ये देखिए ये इमेज फ्लिक होने लग रही है, यहाँ पे और वहां पे दो बल्ब चल रहे हैं फिर भी इमेज क्वालिटी फ्लिक हो रही है, फ्लिकर मार रही है। तो ये ना ये उनके व्लॉग में कभी नहीं होता, वो गोप्रो से शूट करते हैं मेरी तरह, फिर भी उनकी इमेज क्वालिटी में ये फ्लिकरनेस नहीं आता। हाँ जी गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई नो स्टार्ट थोड़ी सी स्लो है क्योंकि सुबह के 3:45 और आज मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरे बच्चे को भी नींद नहीं आ रही, वो बार बार जग रहा है, शायद उसी की वजह से मेरी नींद उड़ गई है। जब मेरी नींद उड़ी गई है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ काम कर लेते, इसलिए मैं यहाँ पे मेरे वीडियो को अपलोड करने के लिए आया हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इंटरनेट की स्पीड हमारे टाउन में बहुत सुपर रहती है, तो इसलिए मैं वीडियो को अपलोड पे छोड़ के वापस सोने के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि अगर नींद कम्प्लीट नहीं हुई ना तो पूरा दिन बेकार जाएगा, इसलिए वीडियो को अपलोड पे छोड़ के सोने जाता हूँ मैं। सुबह के 7:30 और नींद अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो थोड़ी देर और सोते हैं। देख रहे मेरी आंख खुली नहीं रही है, देखो सुबह के 9:00 कौन जगा है। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, डायपर पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। हाँ मम्मी भी छे, सुबह सुबह मम्मी 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 मम्मी। तो कल से ना हमारी 4 दिन की छुट्टी है, होली की 4 दिन की छुट्टी है। तो प्लान मेरा कुछ बन रहा था, मतलब मैंने मेरे दिमाग में एक प्लान बनाया था कि यहाँ पे जाएंगे, बट अकेले नहीं, पूनम और जीव को साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं अहमदाबाद अकेले चला गया था, तो बार बार ऐसे अकेले जाना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने एक प्लान तो बनाया, बट पूनम की ना तबीयत 2-3 दिन से ख़राब चल रही है, तो लेट्स सी। वैसे ना ये टाइम घूमने के लिए बेस्ट तो नहीं है, क्योंकि मार्च चल रहा है और फिलहाल पिछले कुछ 4-5 दिनों से हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी बढ़ जाती है, दिन में 45 डिग्रीज तक चला जाता है, तो इसलिए बाहर घूमने का बेस्ट टाइम तो ये नहीं है, बट 4 दिन की छुट्टी है ना, तो मुझे अंदर से ऐसे फीलिंग आ रही है कि मैं घर पे रहूँगा तो वेस्ट हो जाएगी, इसलिए प्लान तो बना रहा हूँ। प्लान भी ऐसा बना रहा हूँ कि हम दिन में रेस्ट करेंगे, सुबह और शाम को घूमेंगे ऐसा, बट पूनम की तबीयत ठीक रही तो हम वो प्लान फॉलो करेंगे। ये देखो ये सुबह शाम हाथी 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 करके वो दिमाग खा जाता है उसको ना, सब कार्टून भी हाथी के चाहिए, पिक्चर्स भी हाथी के चाहिए, बुक भी हाथी वाली चाहिए, पता नहीं क्या उसका ऑब्सेशन है हाथी से। एनीवे 10 बजने को आया, मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ। सुबह जब मैं यहाँ से गया था स्कूल के लिए तब भी ये टीवी देख रहा था, और अब जब शाम को मैं आया हूँ तब भी ये देख रहा है। ये देखिए इसको ना 2 सॉन्ग बहुत पसंद है बाय गॉड, एक तो ये सामी सामी पुष्पा का, दूसरा सॉन्ग वो पुष्पा मूवी का ही है, वो क्या था कौन सा अड्डा अड्डा, हाँ ए बेटा ये मेरा अड्डा वैसा वो ना देखो कैसे देख रहा है देखो सो गाइस पिछले कुछ दिनों से पूनम की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो पूछते हाउ आज कैसा था? ठीक है आज। यो ऐसे कर दे एक बार, यो कैसे यो 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 ये जो जॉनी जॉनी यस पापा राइम है, मुझे ऐसा लगता है कि ये राइम हम अपने बच्चों को क्यों दिखा दें, क्योंकि उसमें जो बच्चा है जॉनी वो बार बार झूठी बोलता रहता है फिर भी हम बच्चों को दिखाते हैं। अब से मैं नहीं दिखाने वाला इसको, भले वो सामे सामे देखे चलेगा, बट ये इसमें जो बच्चा बार बार झूठ बोल रहा है वो हम नहीं देखेंगे। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये ऐसे बोल, ये ये ये। सो गाइज पिछले कुछ 6-7 मंथ से एक चैनल को मैं बहुत ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ, आशीष विद्यार्थी एक्टर ब्लॉग्स,
उस चैनल के सभी वीडियोस मुझे बहुत ही पसंद है, और जब भी उनके चैनल पे कोई नया ब्लॉग आता है और मुझे नोटिफिकेशन मिलते हैं, मैं मेरे सारे काम साइट पे रख के सबसे पहले वो ब्लॉग देखता हूँ, इतने मुझे उनके ब्लॉग पसंद है। आशीष विद्यार्थी एक एक्टर है, बहुत ही खूबसूरत एक्टर है। मैंने बचपन में जिद्दी मूवी देखी थी सनी देओल की, उसमें उन्होंने एक विलन का किरदार किया था, मुझे अभी भी याद है। और एक बिच्छू करके मूवी आई थी बॉबी देओल की, उसमें भी उन्होंने एक विलन का किरदार किया था। और बहुत सी साउथ मूवी में वो आशीष विद्यार्थी विलन का किरदार करते हैं। और बॉलीवुड में भी बहुत अभी उनके ऐसी लास्ट एक मूवी आई थी, मुझे उस मूवी का नाम तो याद नहीं है, बट बॉलीवुड में भी वो एक्टिव है। उनका एक यूट्यूब चैनल है आशीष विद्यार्थी एक्टर व्लॉग्स, मुझे बहुत पसंद है। और उनके चैनल पे एक चीज़ देख के ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, और वो ये कि वो अपने सारे व्लॉग्स गोप्रो से शूट करते हैं, गोप्रो 9 उनके पास है आई थिंक, और अपने सारे व्लॉग्स गोप्रो से शूट करते हैं। और उनके व्लॉग देख के एक बात मुझे, दो बात एक्चुअली मुझे बहुत परेशान करती है। पहली बात, वो अपने सारे व्लॉग्स 1080p में प्रोड्यूस करते हैं और अपलोड करते हैं। मैं मेरे चैनल पे क्वालिटी बनाए रखने के लिए मेरे सारे गोप्रो से शूट किए हुए व्लॉग 4K में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, बट वो 1080p में भी अपलोड करके क्वालिटी मेंटेन कर दे। दूसरी बात मुझे परेशान ये करती है उनके व्लॉग की, उनके व्लॉग में जो फुटेज है उसकी, कि लो लाइट, एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में भी वो अपने व्लॉग को शूट करते, फिर भी उनकी जो वीडियो क्वालिटी है वो फ्लिक नहीं करती। गोप्रो के बारे में अगर आपको नहीं पता तो गोप्रो लो लाइट में ठीक से परफॉर्म नहीं करता, मतलब इमेज क्वालिटी फ्लिक करने लगती है। रुक के आपको दिखा दूँ, तो ये देखिए ये इमेज फ्लिक होने लग रही है, यहाँ पे और वहाँ पे दो बल्ब चल रहे हैं फिर भी इमेज क्वालिटी फ्लिक हो रही है। तो ये ना, ये उनके व्लॉग में कभी नहीं होता, वो गोप्रो से शूट करते हैं मेरी तरह, फिर भी उनकी इमेज क्वालिटी में ये फ्लिकरनेस नहीं आता। तो मैं बहुत परेशान, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ऐसे सोचने पे मजबूर कर देती थी कि वो लोग क्या करते होंगे, कैसे एडिट करते होंगे, या फिर कुछ कौन सा सेटिंग यूज़ करते होंगे गोप्रो में। तो जब मैं उनके चैनल को ऐसे एक बार देख रहा था, उनके एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था, तब मुझे पता चला कि उनके ब्लॉग कोई और एडिट करता है, मतलब उन्होंने एक एडिटर रखा हुआ है जो उनके ब्लॉग्स एडिट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में उनके एडिटर का इंस्टाग्राम हैंडल भी था, तो मैंने उस इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज किया और मैंने बताई मेरी बात कि मैं भी गोप्रो से शूट करता हूँ, मेरी इमेज क्वालिटी फ्लिक करने लगती है, बट आपकी इमेज क्वालिटी कभी फ्लिक नहीं करती, तो ये आप कैसे करते। तब 2 या 3 दिन बाद उनके एडिटर का मुझे रिप्लाई आया, उन्होंने मुझे बताया कि गोप्रो में एक ऑप्शन है एंटी फ्लिकर करके, वो 60 से आपको 50 करना होता है। तो ये बात मैं, मुझे पिछले 2 सालों से नहीं पता, ठीक है पता नहीं ये ऑप्शन अभी आया या पहले से था वो मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी। तो फिर मैंने 60 से 50 किया एंटी फ्लिकर में जाके, तब इमेज क्वालिटी ऐसी आई। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई फ्लिकरनेस नहीं आपको देखने को मिलेगी, और ये देखिए यहाँ पे कोई फ्लिकरनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये पूरे इंसिडेंट से ना एक बात मुझे पता चली है कि लाइफ में हमें कभी भी कोई क्वेश्चन हो ना, तो उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए, उसका आंसर कहीं ना कहीं तो होगा ही। अगर हम ऐसा सोच लें कि हमारे क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये फ्लिकरनेस मुझे बहुत इरिटेट करती थी, और मैंने अपने आप को भी प्रेस किया, क्योंकि गोप्रो 10 लेने का मेरा जो डिसीजन था वो अभी राइट साबित हो रहा है, क्योंकि हम लो लाइट कंडीशन में भी विदाउट फ्लिकर अच्छे से वीडियो शूट कर पाएंगे। ये बोलते हैं इसे, ये लो, ओपन इट। ठंडा ही है। ठंडा नहीं है, ठंडा है, देख। तो अभी बर्फ डालना पड़ेगा क्या, ऑन द रॉक्स करना पड़ेगा। सो गाइज, आज हम लोग खाने के बाद थम्सअप इसलिए पी रहे हैं क्योंकि अभी गिरा देती तू। जब भी मतलब मैं नॉनवेज खाता हूँ ना, तब ऐसा लगता है कि थम्सअप पीने से, मतलब खाना खाने के बाद थम्सअप पीने से सब पेट में सेटल हो जाएगा, ऐसा मेरे अंदर एक है। एक तू तो एकदम ही घुट घुट सलमान खान जैसे पी रहे है ना। सॉरी गाइस, तुमको लगा मैं पी, मुझे लगा ये पी जाएगी इसलिए। चखना तो पूनम के पास चखना भी है, ये देखो। पकड़ देखो पूनम, अब ये हमारी इमेज फ्लिकर नहीं हो रही है, फ्लिक नहीं हो रही है, देखा ऐसे ऐसे होता था वो नहीं हो रही है।
कितने टाइम से मैं गोप्रो यूज कर रहा हूँ और ये बात मुझे अब पता चली। बोलो क्या नहीं हो रहा है? क्यों नहीं, मतलब उसमें एक सेटिंग आता है वो इनेबल करना होता है, वो मैंने कर दिया। अब पुराना नहीं यूज करते हो? पुराना भी यूज करता हूँ, दोनों यूज करता हूँ। मतलब दो तुम्हारे? अरे बापत सॉरी गाइस, ये कन्वर्सेशन को हम यहीं पे कट करते हैं, मतलब हम ऑफ कैमरा कन्वर्सेशन करेंगे क्योंकि कन्वर्सेशन के बीच झगड़े की पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी इसीलिए हम ये कैमरा भी बंद करते। हाँ जी गाइस, तो बहुत टाइम से ना मेरा एक काम पेंडिंग चल रहा है और वो ये कि मुझे मेरे जितने भी कैमरे के एसेसरीज है सब कुछ, माइक्रोफोन, बैटरीज, कैमराज वो थोड़ा वेस्टर्न एक्शन में चला गया था, कैमरा, फिर ड्रोन, सब कुछ ट्राईपॉड, गोरिल्ला पॉड, सब कुछ वो सब इस हमारे कबाट का जो ये पार्ट है, कबाट वर्ड वैसे आपको समझ में आ रहा है ना, हम गुजराती लोग ऐसे अलमारी को कबाट बोलते हैं, तो कबाट का ये जो पार्ट है उसमें मैं मेरे सारे सब एसेसरीज रखता हूँ। बट अब ना मुझे यहाँ से ये सभी चीज़ों को शिफ्ट करना है दूसरे कबाट में, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए कुछ भी मतलब ठीक से मैंने नहीं रखा। यहाँ पे मुझे कोई चीज़ अगर ढूंढनी हो तो बहुत दिक्कत आ जाती है। ये देखिए, ये हेलमेट का माइक्रोफोन और सब कुछ मतलब यहाँ पे पूरा मैस हो रखा है। तो ये सभी चीज़ों को मैं दूसरे कबाट में शिफ्ट करने वाला हूँ। जब से ये हमने पूरा कबाट हमारा बनाया तब से एक हमारा कबाट बिल्कुल खाली पड़ा है, तो मेरी सभी ये चीज़ों को मैं वहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ, बट आज नहीं। वो बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये ब्लॉग देखो तो मुझे याद आए कि ये सभी चीज़ें मुझे शिफ्ट करने, ये सब काम हम कल करेंगे। वैसे तो मैं प्लान कर रहा था कि इन चार छुट्टियों में मैं कहीं पे जाऊँ, बट होली का त्यौहार भी है ना, और त्यौहार के दिन ऐसे घर से बाहर रहना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि त्यौहार के दिन तो हम सबको हमारी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए, इसलिए कल होली है, कल मैं नहीं जा रहा हूँ। बट बाकी के तीन दिन जो मेरी छुट्टी बचेगी उसमें कुछ प्लान कर रहा हूँ। जो भी प्लान होगा मैं आपको आने वाले व्लॉग में बता दूंगा। इस व्लॉग को हम यहीं तक का रखते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा सॉरी गाइस, बहुत दिनों के बाद मैंने ये कैमरा पकड़ा है तो मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। कल हम वापस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे ये जो मेरी फुटेज फ्लिक नहीं कर रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल थैंक्स टू आशीष विद्यार्थी व्लॉग्स। अगर मैं उनके व्लॉग्स नहीं देखता तो मुझे ऐसा ही लगता कि गोप्रो लो लाइट में ऐसा ही परफॉर्म करता है। थैंक यू। Thank you.